एस्टोनिया पार्ट थ्री है जी। स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा के बारे से बहुत मैसेज आते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियों के मुझे मैसेज आते हैं। सर जी ये बता दें सर, लड़कियों के लिए क्या है? सर जी मैं कुड़िया, मैं इन्हें ग्रेड ला लेने, मैं इन्हें बहुत स्मार्ट कुड़िया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मेरे हालात खराब है, ये फलाने। देखिए सबसे पहले तो कोई भी चीज अप्लाई करने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाया करें, मेरे घर के हालात खराब है, ये वो। इस करने से क्या होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप जब किसी से भी ये बात करते हैं ना, आप उसको अपना तन दे देते हैं। जब आप उसको पता होता है अब ये बंदा नीडी है, मैं इससे कुछ भी डिमांड कर सकता हूँ, चाहे वो लड़का हो, ठीक है। इसलिए याद रखें, जब भी किसी से बात करें प्राउडली बात करें। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई चीज मांग रहे हैं तो उसकी आप डिमांड, उसकी आप चीज पूरी कर रहे हैं। लाइक आपके पास डिग्री है, आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है या कहीं पे भी पढ़ा है, इसलिए आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये भीख ना मांगा करें कि सर प्लीज मुझे खुदा के लिए जॉब दे दें, मेरा अबू बीमार है, मेरी अम्मी बीमार है, ये मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। भाई आप लोगों की अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, मतलब बंदे में दम होना चाहिए यार, मतलब बंदे को मजा है। मैं मोस्टली मैसेजेस इसलिए रिप्लाई नहीं करता, मेरा अबू बीमार है, मैं घर का अकेला कमाने वाला हूँ या कमाने वाली हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दें। प्लीज यार क्यों मांगते हो भेज यार, हमने भी सफर किया, बहुत सारे लोगों ने सफर किया, हार्डवर्क किया। सो यहाँ पे तकरीर करने का टाइम नहीं, चले फिर दोबारा टॉपिक पे आते हैं। मैं टॉपिक से हट जाता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों मोटिवेशन देने के इतना मजा आता है। अच्छा सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है गाइस, जो है आपने सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, एम्बेसी अगर आपके कंट्री में अवेलेबल है एम्बेसी से ले लें, वरना आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ वहां से मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए, टू रिसेंट फोटो विद अ वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है जी। आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, एडमिशन लेटर आपको कहां से मिलेगा? देखिए अगर आप फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, हाफ फंडेड या नॉर्मल स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है, वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट में जाना होता है और वहां पे जो है वो उनके साथ रब्ता करना होता है, उन्हें पूछना होता है कि कब कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। फिर एक तो ये तरीका है, सेकंड तरीका ये है उन लोगों के लिए जो स्कॉलरशिप कर रहे हैं, वरना बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर स्कॉलरशिप का अलग से ऑप्शन होता है और उसके अंदर पीडीएफ होता है और उसमें वहाँ पे आपने देखना है, आप अगर आप उनकी स्कॉलरशिप पे पूरे उतरते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि हर जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी वेबसाइट पे एक एडमिशन का जो है वो ब्लॉग बना के रखते हैं, एडमिशन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद उनकी 2-3 दिन में ईमेल आ जाएगी। अच्छा जी, अब वो आपके पास जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के पास पैसे ही नहीं होते और अप्लाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट वीजा के लिए। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपके पास जो है वो पैसे होने चाहिए। आप बहुत सारे लोग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाला हूं, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर देखे जो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है, वो आप लोगों को गाइड करते हैं इधर उधर से वीडियो देखे। मैं आप जो ट्रेंड चलाता हूं, मैंने एस्टोनिया का ट्रेंड चलाया, पहले कोई भी मैंने देखा वीडियोस नहीं बनाता था ये वीजा के हवाले से, अब हर बंदा वीजा की वीडियो बना रहा है, ठीक है। मैंने 4 साल पहले ट्रेंड सेट किया था, कोई एक माइकल आर मुझे 4 साल पहले दिखा था जो वीजे की बात कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। अगर वीडियो की बात होगी, अगर वीजे की बात होगी, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्ट वीजा इन्फॉर्मेशन, और जो एजेंटों की दुकान बंद करने में सबसे पहले जोन चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोबारा से क्या कहते हैं ट्यूशन फीस के हवाले से। ट्यूशन फीस में यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है और हम जो है वो अपने मामू की, चाचू की, अब्बू की जो है वो लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने जो है वो उनको गार्डियन बनाना होता है, ठीक है, जो है अदालत से प्रूफ लेना होता है कि ये आपके गार्डियन है, आपके जो है वो केयर टेकर हैं, आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपके चाचू हैं, आपके मामू हैं, और वो आपको एफिडेविट दे रहे हैं कि उनका अकाउंट आप यूज़ करेंगे एज अ ट्यूशन, एज अ फीस, और एज अ वहाँ पर जाके अगर आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने याद रखी हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ईजी है, जो लोग टिकटेक करते हैं उनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल होती है, पाकिस्तान में 25,000, इंडिया में 10,000, वरना आप ऑनलाइन भी जाके यूट्यूब पे लिख सकते हैं हाउ टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ट्रैवल इन यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री के लिए। इसके अलावा जी है आपके पास प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ डिग्री नहीं होती, ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होती है और डिग्री भी चाहिए होती है, और नाम का बहुत मसला होता है। बहुत सारे लोग इसलिए स्कॉलरशिप नहीं ले पाते, उनका मैट्रिक में और नाम होता है, फिर एफए में और हो जाता है, फिर ग्रेजुएशन में और हो जाता है, और मास्टर में और हो जाता है। तो एक भी स्पेलिंग गलत हुआ, अबू का नाम गलत हुआ, अम्मी का नाम गलत हुआ, एक भी गलती हुई डेट में किसी भी चीज़ में, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और आपकी जो सारी डिग्री है वो HEC से वेरीफाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा जी आता है मोटिवेशन लेटर, ठीक है जी। मोटिवेशन लेटर ये होना चाहिए कि आपने जो है वो किस लिए, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई एजेंट की लोगों को पता ही नहीं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्टडी की भी नहीं है, ठीक है, तो लोगों को पता नहीं। मोटिवेशनल लेटर चाहिए होता है कि आपको, मतलब आप क्यों इतने मोटिवेटेड हैं, यानी एस्टोनिया में जाने के लिए क्यों इतने मोटिवेटेड हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लक्समबर्ग, डेनमार्क, इस कंट्री में क्यों नहीं किया, तो आपने उन्हें बताना है। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लोग जो है वो कम है, पॉपुलेशन कम है, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको कम पॉपुलेशन पसंद है, ज़्यादा रोड पर रश पसंद नहीं है, देसी बंदा हूँ, बट आई वॉन्ट टू चेंज माई कंट्री, एक्चुअली माई कंट्री इज़ गुड, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ
political issues and there is a lot of crime. So every month crime is getting so higher and higher, and I don't feel safe as well. So I'm an honest guy. I love to work on a time. So but my country people, they don't like to work on a time and they are not honest. So that's why I'm not feeling comfortable in my country. So that's why I want to change the country. So आप इस तरह के एक अच्छा सा कवरिंग लेटर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर कोई और यूनिवर्सिटी आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स कहती है तो वो आप उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं बड़ी मेन टॉपिक की तरफ, की वेबसाइट्स जो हैं वो आपको जो है वो कौन कौन सी चाहिए। एक तो मेरी चीज़ें बड़ी गिरती हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए यार, मैं जो है ना, मेरा माउस गिर गया। अच्छा, ये लग गया माउस। अच्छा, वेबसाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है वो वेबसाइट्स जो है वो ये आ गई हैं। अच्छा, सबसे पहले जो वेबसाइट्स है वो है जी studyinestonia.ee, ठीक है जी। ये वेबसाइट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इस्तोनिया। इसके अलावा नीचे scholarshipportal.com भी है। इसके अलावा ये है eeyorpa.eu प्रोग्राम। अच्छा जी, ये इनके पास studyinabroad.unesco.org, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा आप खुद भी गूगल पे भी लिख सकते हैं स्कॉलरशिप इन इस्तोनिया, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इस्तोनिया, नर्सिंग यूनिवर्सिटी इन इस्तोनिया, इसके अलावा डॉक्टर यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस यूनिवर्सिटी इन इस्तोनिया, एमबीबी यूनिवर्सिटी इन इस्तोनिया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन इस्तोनिया, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज है आपका, जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स यूनिवर्सिटीज इन इस्तोनिया, वो आप लिखेंगे, उसके आगे अपना कंट्री का नाम डालेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कम से कम टाइम में। लोग ऐसे ना लंबी वीडियो बनाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। मेरा मकसद ये होता है कि मैं पैसे भी कमाऊँ मगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। ज़्यादा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है जी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप किस कंट्री से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंडियन लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मगर मुझे दिल ही दुख होता है कि मेरे अपने पाकिस्तान के लोग जो है वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में टैलेंट जो है वो रुल रहा होता है। मुझे एक हुसैन शाह, एक बॉक्सर था, बहुत अजीम बॉक्सर, जिसने ओलंपिक में पाकिस्तान को सिल्वर मेडल दिया, उस जैसे बॉक्सर को हमारे कंट्री के लोगों ने जूते नहीं दिए तो मैं तो एक अदना सा बंदा हूं, ठीक है जी। तो एक बड़ी डीप स्टोरी है। कभी इंशाल्लाह अगर आगे चले, अगर हमारे भी 1 मिलियन हुए तो अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। फॉलो कर लें, मोटिवेट रहें, हाथ ना फैलाएं। जो मर्द का बच्चा होगा हाथ नहीं फैलाएगा। लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस में मिलते हैं आप लोगों के साथ।